हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप में जो लॉगिन की समस्या चल रही थी, जो ओटीपी की समस्या चल रही थी, तो फाइनली अब पोषण ट्रैकर ऐप में इसका समाधान हो चुका है। पोषण ट्रैकर ऐप में जो टेक्निकल इशू चल रही थी, सभी चीज़ों का समाधान अब हो चुका है। ठीक है, तो बहनों आप लोगों को यहाँ पर मैं स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा किस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करना है, किस प्रकार से आपको अपना जो है एम पिन फॉरगेट करना है। सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को जो टेक्निकल इशू, ओटीपी की समस्या जो कुछ भी हो रही थी, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक बार जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप को इस प्रकार से ऑन इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, ऑन इंस्टॉल करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप को प्ले स्टोर से आप लोग ओपन कर लेंगे। ठीक है, आप लोग को वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, सारा कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव जो है वो दिखाने वाला हूँ कि अब जो समस्या चल रही थी पोषण ट्रैकर ऐप पे, वो अब बिल्कुल ही सही हो गई है। आप लोग यहाँ पे आसानी से जो है अपना एम पिन को रिसेट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे जो है अपने पोषण ट्रैकर ऐप में आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करके नहीं जाइएगा, सारा कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा पोषण ट्रैकर ऐप जो है इस प्रकार से अनइंस्टॉल करके मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली पोषण ट्रैकर ऐप को इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोषण ट्रैकर ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आंगनवाड़ी वर्कर का जो ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे यहाँ पे एरो पे क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पे डाउन कर देंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जो लैंग्वेज का ऑप्शन है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लैंग्वेज का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे जो समस्या चल रही थी पोषण ट्रैकर ऐप में, टेक्निकल इशू था या कुछ भी कह सकते हैं, जो भी कुछ था वो अब यहाँ पे आप लोगों के ठीक हो चुकी है। आप लोग अपना जो है यहाँ पे आसानी से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे दर्ज करेंगे, और यहाँ पे जो ओटीपी की समस्या थी वो भी यहाँ पे अब फिक्स हो गई। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे। उसको डालते ही यहाँ पे अब आप लोगों का जो 4 अंकों का एम पिन डालने का जो ऑप्शन है वो अब आने लगा है। पहले क्या था कि बहुत यहाँ पे टाइम लग रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पे इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसको एकदम फिक्स कर दिया गया है। 100% यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे जो है पोषण ट्रैकर ऐप में अब आसानी से लॉगिन हो जाएगा। जो भी टेक्निकल इशू था वो अब यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये सारा कुछ आप लोगों का यहाँ पे इस प्रकार से जो है अब आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ओटीपी भी मेरे पास आ चुका है। चलिए यहाँ पे हम ओटीपी को यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं जो पोषण ट्रैकर ऐप है, यहाँ पे अब एकदम आसानी से सारा काम हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे खुल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि आप अपना जो एम पिन है 4 अंकों का यहाँ पे आप लोग सेट करेंगे। पुराना वाला एम पिन आप लोगों को नहीं रखना है, यहाँ पे एक नया एम पिन आप लोगों को जनरेट कर लेना है। ठीक है, तो जो आप लोगों को याद रहे वही एम पिन आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, और ये एम पिन आप लोगों को किसी से भी शेयर नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एम पिन बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपना नया एम पिन सेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वही कंफर्म एम पिन पे क्लिक करेंगे, यानी जो एम पिन आप लोग यहाँ पे डालेंगे वही एम पिन आप लोग यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आके सबमिट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट कर दे रहे हैं। देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे एम पिन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो जो कुछ भी टेक्निकल इशू था, जो कुछ भी प्रॉब्लम पोषण ट्रैकर ऐप में चल रही थी, वो अब यहाँ पे लगभग लगभग 5 बजे के आसपास जो है आप लोगों का यहाँ सारा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे ठीक हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों की जो ये समस्या है वो शाम तक या रात तक जो है वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के सामने लाइव प्रोसेस, यहाँ पे सारा कुछ समस्या ठीक हो चुकी है। अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस प्रकार से जो लॉगिन पेज है वो खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नेटवर्क इशू या कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, आसानी से सारा कुछ यहाँ पे खुल जा रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन करना है, और जो आपने यहाँ पे पिन अभी नया बनाया हुआ है वही पिन आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर और पिन को यहाँ पे डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको डाल लिया है। उसको डालने के बाद यहाँ पे जो है हमने अभी जो नया नया पिन बनाया है उसको यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो रिमेंबर मी का एक चेक बॉक्स दिख रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो आप लोगों का
बार बार जो लॉगिन पेज है उसमें आप लोगों को लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। आप लोग एक बार सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे तो आप लोग जैसे ही पोषण ट्रैकर ऐप को खोलेंगे तो जो आपका होम पेज है वही खुलेगा। यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करने का जो ऑप्शन है वो बार बार यहाँ पे खुल के नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आसानी से साइन इन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ जो है लाइव प्रोसेस यहाँ पे हम आपको करके दिखा रहे हैं। अब आसानी से जो है यहाँ पे आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप खुल चुका है। तो जितने भी आंगनबाड़ी सेविका बहनें अभी तक पोषण ट्रैकर ऐप का जो भी काम वगैरह पेंडिंग था, जैसे कि उनका जो है अटेंडेंस वगैरह नहीं बन पाया होगा या पोषण ट्रैकर ऐप में जो कुछ भी आप लोगों का नहीं हो पाया था, अब आप लोग यहां पे आसानी से कर सकते हैं। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। ठीक है, जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए पहुँच चुकी हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, आप लोगों के लिए इस प्रकार से मैं वीडियो लेके आते रहता हूँ, आप लोगों के लाइक करने से ही हमें मोटिवेट मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी पोषण ट्रैकर ऐप पर आसानी से लॉगिन कर सकें। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।